अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज माशाल्लाह से पाकिस्तान में चांद रात है, गुजर रहा है वक्त साथ साथ, और बहुत सारी बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही होंगी। इससे पहले मैंने बहुत सारी पोस्ट की हैं जिसमें फिंगर, बैक हैंड, फ्रंट हैंड एंड सिंपल में, स्टाइलिश में बहुत सारे वीडियोस मैंने व्यूवर्स के साथ शेयर की हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अभी की जो मैं आपको वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ये एक्चुअली मैं अपनी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज पहली ईद है जिसमें मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी, क्योंकि मेहंदी लगाने वाले बहुत दूर हैं, ईमान और नगीना। तो सबसे पहले तो मैं उन दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हर ईद पे मैं ईमान से या नगीना से मैं मेहंदी तो ज़रूर लगवाती थी। तो मैंने सोचा कि अब मेहंदी लगवा नहीं सकती, लेकिन आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर सकती हूँ। लेकिन आप इन पिक्चर से आइडियाज़ ले सकते हैं, इस तरह की मेहंदी लगवा सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मेहंदी लगवाने वाली के साथ, लाइनें लगवाने वाले के साथ। बहुत मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं आपके लिए एक्चुअली इस वीडियो में भी। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख सकें। और फैशन से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में नंबर अवेलेबल है, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त मेहंदी है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं है, बट बाकी वीडियो से थोड़ी सी लेंथी है, बट देखिएगा ज़रूर एंड तक। स्टार्ट से एंड तक मेरी ही पिक्चर्स हैं जो कि मैंने मेहंदी में लगवाती रही हूँ। पाकिस्तान में कोई भी इवेंट आया, मैंने मेहंदी बहुत लगवाई है, फीट है, हैंड है, मैं मेहंदी लगवाती रही हूँ। एक तो मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, और सोचा मैंने आपके साथ पिक्चर्स को शेयर करूँ, मैं उन वीडियोस को शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, ताकि आप वो भी देखें कि मैं खुद मुझे खुद मेहंदी बहुत पसंद है लगवाना, लेकिन मैं इस बार नहीं लगा सकी। कुछ है कि यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है यूएई में, जो मेहंदी है उसके कुछ कलर बहुत खास मुझे नहीं लगे, लाइक उनके कलर्स इतने डार्क नहीं आते, जो हमारे पाकिस्तान में मेहंदी हमें मिलती है उनके कलर बहुत डार्क हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि मेहंदी ना ही लगाऊं तो ही अच्छा है। सोचा कि अगर पाकिस्तान से आएगी मेहंदी तो ज़रूर लगवाऊंगी, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी। तो बस आपके साथ कुछ अपनी मेमोरीज को शेयर किया है, देखते रहिएगा एंड तक, ज़रूर देखिएगा, ज़बरदस्त है। और फिंगर्स की भी इसके इसमें आपको मिल जाएंगे, मोटिव स्टाइल भी है, फ्लोरल भी है, बेल में भी अगर आप देखें तो आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मेहंदी इस तरह की है जिसमें अल्फाबेट्स नेम मेंशन है, कुछ नेम मेंशन है, आप वो भी देख के बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले और मेहंदी लगवाने वाले से लगवा ले। इस तरह की अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज के दिन रियली रियली मैं बहुत मिस कर रही हूँ ईमान और नगीना को, बिकॉज़ ये दोनों ऐसी थी कि मैंने जब चाहा मेहंदी लगवाऊँ ये लोग मतलब मेरे पास होती थी या मैं इनके पास होती थी। तो फिर से इनका बहुत शुक्रिया जो ये इतने साल से मुझे मेहंदी लगाती रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी बाकी है, इसको देखिएगा ज़रूर, और बताइएगा कि आपको कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी लगी जिस पे मेहंदी आपको अच्छी लगी हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।